निकलेंगे तो आप देखेंगे वो जो पीवीआर लिखा है सिनेमा को हटा के बढ़िया रहा यार, बहुत बढ़िया रहा, बड़ा थ्रिलिंग रहा, बड़ा मज़ेदार रहा। रवि दुबे जैसे एक्टर मिला, अजय जैसे डायरेक्टर मिला, बड़ा मज़ेदार रहा। पूरी शूटिंग बड़ी थ्रिलिंग रही, बड़ी मज़ेदार रही, बड़ी मज़ेदार रही। हाँ, मैं एक जेल इनमेट की भूमिका कर रहा हूँ, जो उसे पंडित जी कहते हैं। तो बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत ही वेल इन्फॉर्म बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है, और वेदांत की वेद पुराण की, महाभारत की, रामायण की, इनकी बड़ी जानकारी रखता है वो। और जेल में बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है, जेल में बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है। हर बंदा उसकी इज्जत करता है, हर बंदा कदर करता है उसकी। जब बोलता है तो सब लोग सुनते हैं। तो उससे जो है, आपके जब ये जेल में आता है मत्स्य, तब मत्स्य से मिलता है, तो मत्स्य का एक गुरु बनता है। और मत्स्य को ये ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बतलाता है कि कैसे वो बदला लेने के लिए उत्सुक है अपने किसी बंदे से, किन्हीं बंदों से, तो बदला कैसे लिया जाए इसे बतलाता है। कि मतलब हमेशा जो है मारधाड़ खून खच्चर से बदला नहीं लिया जाता, आप अपने दुश्मन को इतना बेबस कर दो कि वो परास्त हो जाए और तड़पे वो आपके तड़पे, मारने की ज़रूरत नहीं उसे। तो वो उसे बतलाता है, मतलब कैसे कॉनमैनशिप सिखाता है उसे, कॉमनशिप से कहता है उसे कि कैसे। मैं तो ये कि जेल इनमेट है, मतलब जेल का कैदी है, तो जेल की यूनिफॉर्म में इसकी सारा कॉस्ट्यूम है, जेल की यूनिफॉर्म है, तो एक यूनिफॉर्म में रहता है बस। द वेरियस लुक्स, द 11 कैरेक्टर्स और द 11 लुक्स एंड द प्रोस्थेटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बट द अदर थिंग्स दैट हैव रियली रियली एक्साइटेड मी इन द अबाउट द शो इज ऑफ कोर्स द टेलिंग ऑफ द शो। हम लोग सब लोग जो है, वी आर 90s किड्स, है ना, हम लोग सब लोग 90 के दशक में बड़े हुए हैं, तो 90 के दशक की पिक्चरें आज भी हमारे लिए वही सिनेमा है। तो उस तरीके के वन लाइनर्स और उस तरीके के वर्ल्ड्स और लार्जर देन लाइफ, एंड इट्स अ कॉर्न थ्रिलर दैट जो आपको कहीं ना कहीं वो एक उस वक्त की याद दिलाएगा जिस चीज़ को हम सिनेमा मानते हैं आज तक मानते हैं। मनमोहन देसाई टाइप फिल्म्स, यू नो, सो इट्स गॉट दैट वाइब। आई पर्सनली लव दैट काइंड ऑफ सिनेमा, सो मेरे लिए आई एम वेरी लकी टू कम बाय दिस। या जी, जी 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 फेवरेट लुक जो मेरा है वो इट वुड बी दिस वन। सो ये अभी भी आई थिंक द आई हैव इमेजेस फ्रॉम दिस लुक दैट आई रिमेंबर द फर्स्ट डे जब मैंने ये लुक ट्राई किया था, तो द एंटायर यूनिट गॉट वेरी वेरी एक्साइटेड। तो जो हमने प्रोस्थेटिक का जो टेस्ट किया था पहले दिन, तो हमने यही वाला लुक ट्राई किया था, और जब ये एंड रिजल्ट हम लोगों ने सबने देखा, तो कलेक्टिवली हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए, एंड वी न्यू दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग डाउन दिस रूट, वी आर डेफिनेटली डूइंग प्रोस्थेटिक्स इन द शो, एंड वी आर डेफिनेटली डूइंग अ लॉट ऑफ देम। तो उसके बाद के चैलेंजेस, बेशक उसके बाद के मतलब वो प्रोस्थेटिक के दौरान जो है बैठे रहना और जो पेशेंस चाहिए वो एक अलग चीज़ है। वो जितना पेशेंस आर्टिस्ट को चाहिए उतना ही मेकअप आर्टिस्ट को भी चाहिए प्रोस्थेटिक करने के लिए, और उसके असल जो पेशेंस का टेस्ट है वो उसके बाद शुरू होता है। जो प्रोस्थेटिक, जब 4-5 घंटे प्रोस्थेटिक के बीच जाते हैं और आपका मेकअप आपके चेहरे पर आ जाता है, तो जो असल चैलेंज है वो शूटिंग के दौरान शुरू होता है। आप दिन भर आप धूप में रहें, चाहे आप कहीं भी शूट कर रहे हो, जो पसीना आता है वो आपके नकली चेहरे पे तो नहीं, आपके असली चेहरे पे आता है, और आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, यू नो। सो तो इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आई एम लकी दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लोर इट। सॉरी, आई एम गोइंग एक्सक्यूज माय सेल्फ। एसी 2 मिनट बंद हो सकता है क्या? बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। हाँ जी, हाँ जी जी। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में शूट ख़त्म हो जाया करता था। अगर एक लुक है तो मे बी ओवर अ स्पैन ऑफ 6 or 7 days उसका शूट चलता था, विच मेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग द मेकअप विच इज़ अराउंड 4.5-5 hours ऑलमोस्ट एवरी डे। बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज़ द आप एंड रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो सब कुछ वर्थ होता है, कितना भी एफर्ट आप कर सकते हैं, यू नो।